हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर का नाम चेंज किया जा रहा है। सो आज से स्टडी सेंटर को यूपीएससी लाइब्रेरी कहा जाएगा। सो वंस अगेन, हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वॉचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। बिकॉज हमारे मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया है। इस ड्राफ्ट को पब्लिक की राय के लिए 10 अगस्त तक, इसकी लास्ट डेट है जिससे इसमें पब्लिक की राय ली जाएगी। दस अगस्त हो चुकी है। 10 अगस्त के बाद इसमें पब्लिक की राय लेना बंद किया जाएगा। सब इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सिटीजन ऑब्जेक्ट द EIA बिकॉज इसको बोल कि ये इस वजह से इस ड्राफ्ट में इन्वायरमेंटल की लॉज को थोड़ा लूज किया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो लेट्स सी इन द टॉपिक। सो इन दिस लेक्चर, सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारे मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, उन्होंने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 प्रस्तुत किया है। और ये 2020 ड्राफ्ट जो 2006 के जो EIA को रिप्लेस करेगा, 2006 के रिप्लेस करेगा 2020 वाला। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट उन्होंने बोला है कि इस ड्राफ्ट की वजह से जो EIA के जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से डाउनलोड किया जा रहा है, और जो कि इन्वायरमेंट के जो लॉस हैं उनको थोड़ा लूज किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज को थोड़ा बढ़ावा मिल दिया जाए, उनको और किसी तरीके से उनको थोड़ा लाभ दिया जाए। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 वीकन द बेसिक विजन ऑफ EIA। सो EIA का जो बेसिक विजन है उसको थोड़ा वीक किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, दैट इज द प्रोएक्टिव एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट बाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। सो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएंगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। इस वजह से जो EIA का जो बेसिक विजन है उसको वीक किया जा रहा है। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये होता क्या है, जो उस पर जितना कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें वो जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखे जाएंगे, उसको पूरी तरीके से एवेलुएट किया जाएगा ताकि देखा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट से कहीं इन्वायरमेंट पर कोई असर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, या उसकी वजह से इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान तो नहीं आ रहा। इस प्रोसेस में पब्लिक व्यूज़ को देखा जाएगा। इस प्रोसेस में पब्लिक व्यूज़ को लिया जाता है, उनके व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है और उनके व्यूज़ को फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। अगर किसी स्टेट में या किसी एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस एरिया में जो रहने वाले लोकल्स प्लस या को ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे राय ली जाती है और पूछा जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के लिए ठीक है या नहीं। ये 2006 के EIA के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 2020 का जो ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें पब्लिक हियरिंग जो है उसको थोड़ा, उसमें जो टाइम जो दिया जाता है 30 दिन का, उसको थोड़ा कम किया जाए। इट इज़ बेसिकली अ डिसीजन। EIA जो की है एक डिसीजन मेकिंग टूल है टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड और नॉट। इसकी वजह से देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए या कि नहीं। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जो उसमें इशू होता है, जो ड्राफ्ट होता है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में, उसके अकॉर्डिंग उसके अंडर ये EIA को पावर मिलती है। इस वजह से सच कुछ मेजर लिए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक प्रोटेक्टिंग द इम्प्रूविंग क्वालिटी इन्वायरमेंट। इसकी वजह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अंडर द पावर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस जो 2020 का जो EIA है उसमें आके प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इस पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के अकॉर्डिंग, पहले जो 2006 के EIA के अकॉर्डिंग पहले इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही क्लियरेंस दिया जाता है, लेकिन जो 2020 के ड्राफ्ट में ये लिखा है कि अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी इसको क्लियरेंस दे सकते हैं। इट मींस द क्लियरेंस और प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड इवन दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन और हैव बीन रनिंग फेज विदाउट सिक्योरिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस।
प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी उसको क्लियरेंस दे सकते हैं इस 2020 ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग. सो दिस ऑल्सो मीन दैट एनी एनवायरमेंटल डैमेज कॉज बाई प्रोजेक्ट इज लाइकली टू वेव्ड ऑफ एज द वॉयलेशन गेट लेजिटिमाइज. सो एक सो लेजिटिमाइज तरीके से जो भी उस प्रोजेक्ट की वजह से जो भी एनवायरमेंटल डैमेज आया, सो उसको एक लेजिटिमेट तरीके से उसको वेव ऑफ कर सकते हैं इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग. सो इसका एक जो वेव ऑफ जो कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है उसका एक एग्जांपल ये भी है. ये एग्जांपल ये कि 2017 में जो तमिलनाडु के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं उनको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया था, लेकिन वहाँ की जो मद्रास हाई कोर्ट ने उन सारे प्रोजेक्ट को स्टक डाउन कर दिया और उसको जो भी उन सभी प्रोजेक्ट को पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दिया गया था उन पर स्टे लगा दिया. सो बिकॉज वो उन प्रोजेक्ट के वजह से एनवायरमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द ड्राफ्ट. देन सेकेंड प्रॉब्लम इज पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, बिकॉज EIA का मेन बेस तो पब्लिक से रिव्यू लेना है. इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो पहले जो टाइम दिया जाता था 30 दिन का, लोग उसको 30 दिन को घटा के उसमें अब 20 डेज किया जा रहा है. पब्लिक से जो टाइम पब्लिक को जो टाइम दिया जा रहा था उस टाइम को घटा के 30 दिन से घटा के 20 दिन किया जा रहा है. पब्लिक को उस प्रोजेक्ट पर सोचने के लिए कम टाइम दिया जा रहा है. बिकॉज काफ़ी बार एक्सपर्टाइज भी किसी भी एनवायरमेंटल डिजास्टर या लॉस को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं या जो ट्राइबल्स हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस की वजह से वो नुकसान को जो एनवायरमेंट को नुकसान होने वाला है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में जो डेज दिए जाते हैं उसको थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज द डेंजर इज दैट इफ एडवोकेट टाइम इज नॉट गिवन, अगर उनको सफिशियंट टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ उनके व्यूज को देने के लिए, then suggestion to those who affected by project, then such public hearing would not be meaningful. So ऐसी public hearing का कोई भी मायने नहीं रखा जाता अगर उनको time कम दिया जाता या उनकी बातें ही नहीं सुनी जाती. So further reduction of time, so time में अगर कमी आती है तो it would particularly pose a problem in those areas where information is not easily accessible and with or area in which people are not that well aware of the process itself. So वैसे लोग जहाँ पर information easily accessible नहीं है या ऐसे लोग जो इन सब project से aware नहीं है, so उनके लिए तो ये काफ़ी नुकसान दिया हुआ है और वहाँ के environment के लिए भी काफ़ी नुकसान दिया हुआ. Then next is compliance report issue. इस चीज़ के अंतर्गत जो EIA का 2006 का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट को हर साल में दो बार अपने हर छः महीने के बाद अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो हो रही उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी. बट जो अभी जो न्यू ड्राफ्ट आ गया उसमें सिर्फ ओनली वंस इन एवरी ईयर, सो उसमें सिर्फ एक साल में एक बार ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. इसमें जो साल में जो दो बार रिपोर्ट सबमिट करनी थी उसका टाइम कम करके साल में एक बार किया जाएगा. अगर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट होता है माइनिंग का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और इट कैन पोटेंशियली हैजर्ड टू बी नियर बाई पॉपुलेशन एंड कैन कंटेमिनेट द एयर एंड वाटर नियर बाई और हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट वुड बेटर हेल्प. ऐसे कंडीशन में हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी बेटर होती है उस एनवायरनमेंट की उन पॉपुलेशन को हेल्प करने के, ना कि जो एक साल में एक बार जो रिपोर्ट दी जाती है. नेक्स्ट वन इज बाईपासिंग EIA प्रोसेस. इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इसमें पावर दी गई है कि वो किसी प्रोजेक्ट को एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकती है. अगर कोई एक प्रोजेक्ट उसको स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बोल दिया जाता है उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट की उसको उन इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा. वॉयलेशन कैन बी रिपोर्टेड ऑन सुई मोटिव बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड अप्रेजल कमेटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी.
उस प्रोजेक्ट पर अगर कोई भी एक्शन वॉयलेशन होता है तो उस वो उस वॉयलेशन को रेगुलेट अथॉरिटी या अप्रेजल कमिटी के द्वारा सो मोटो की तरीके से उसको रिपोर्ट कर सकती है। सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, जो कि नेचुरल जस्टिस जो कि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। देन फर्दर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन स्टेट दैट द न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि अगर कोई भी अगर नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोजेक्ट 150,000 स्क्वायर मीटर से अधिक है या उससे कम है तो उस पर उसके लिए कोई भी दे नीड EIA स्टडी नॉट पब्लिक कंसल्टेशन। सो अगर कोई भी प्रोजेक्ट 150,000 स्क्वायर किलोमीटर का है तो उसके लिए ना ही EIA स्टडीज की जरूरत पड़ेगी ना ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए होगी। सो जो और बिकॉज 2006 में जो EIA ड्राफ्ट था उसमें सिर्फ 20,000 स्क्वायर मीटर की लैंड पर ही उस स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट पर ही ऐसी चीजें उसमें EIA स्टडीज और पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लिया जाता, लेकिन इस नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इस 150,000 स्क्वायर मीटर पर ही ये EIA स्टडीज और पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लिया जाएगा। सो ऐसे बिकॉज इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट अभी जो हुए लाइक जिसमें कि अभी जो LG पॉलीमर जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। सो ये इसमें इस प्रोजेक्ट में जो हुआ था उसमें गैस लीक हुई थी। सो ऐसे प्रोजेक्ट को हम इग्नोर करेंगे तो आगे फ्यूचर में ऐसे ही इंसिडेंट होते रहेंगे। सो व्हाट केम टू लाइट आफ्टर डिजास्टर वाज द प्लांट हैड बीन ऑपरेटिंग विदाउट वैलिड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द डिकेड। सो ऐसे प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे थे। सो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चलने की वजह से इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंट होते अगर हम EIA एनवायरमेंट को अगर इतना ऐसे इग्नोर करते रहे सो वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस सेवियर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल लाइक इसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल या अभी जो रिसेंटली एग्जाम्पल चल रहा है दिल्ली एयर पॉल्यूशन बिकॉज विच हैज रिमेंड अनसॉल्व एंड सेवियरली अफेक्टेड हेल्थ ऑफ सिटीजन ऑफ दिल्ली बिकॉज इसमें हम इन्वायरमेंट को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। सो इट हैज़ बिकेम ए अफेल टास्क फॉर गवर्नमेंट एज वेल विद द सिचुएशन लीडिंग अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। सो इसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। देन द यूनियन गवर्नमेंट शुड डस एंड अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम वाइल प्रिपेयरिंग EIA ड्राफ्ट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा जब EIA ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के टाइम पर कि इन्वायरमेंट को हमें इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। सो गिवन सच इंसिडेंट वीकनिंग द EIA प्रोसेस इज एसेंशियली एंटी डेमोग्राफिक। सो इन सब चीजों की वजह से जो EIA प्रोसेस है वो एसेंशियली एंटी डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में इन्हीं तरह के प्रोजेक्ट को काफ़ी ईजिली क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही है और ये चीज़ें इतनी स्विफ्टली होने का एक रीज़न ये भी है कि कोइंसिडेंसली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के मिनिस्टर एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉर हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर दोनों ही एक हैं जो कि मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं। सो दिस थिंग रिजल्टेड एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज डिबेटेबल। सो आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।